गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। दुर्घटनावश नाव से गंगा में गिरे हुए व्यक्ति की हुई मौत, दो दिन बाद मिली लाश। गाजीपुर सैदपुर थाना क्षेत्र के देवचंदपुर गांव में सोमवार की देर शाम तरबूज लादकर नाव से आते समय नाव में पानी भरने सवार 5 की संख्या में युवकों ने नदी में छलांग लगा दिया। 4 युवक को तैरकर निकल आए, लेकिन खानपुर थाना क्षेत्र के भभौरा गांव निवासी युवक अंकित यादव 20 नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। अगले दिन मंगलवार की सुबह युवक का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। देवचंदपुर क्षेत्र में अक्सर नदी पार कर रेत से मौसमी फल लाने के लिए युवक नाव के सहारे नदी पार करके आते जाते रहे हैं, मगर सोमवार की देर शाम 5 युवक नदी पार कर नाव से तरबूज लेकर लौट रहे थे कि आधे रास्ते में नाव में अचानक कहीं से छेद से तेजी से नाव में पानी भरने लगा। नाव में पानी भरते देखकर 4 युवक नदी की धारा में तैरकर किसी तरह किनारे आ गए। नदी की तेज धारा में एक युवक खुद को नहीं संभाल सका और वह नदी में डूब गया। आनंद फानन रात भर राहत और बचाव कार्य के प्रयास के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। सुबह युवक का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मंगलवार की सुबह युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार युवक तरबूज लाने गया था, मगर भभौरा का युवक सोमवार को खुद को नदी की तेज धारा में खुद को नहीं संभाल सका और डूब गया। पुलिस के अनुसार युवक के 4 अन्य साथी पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं हादसे में युवक को बचाया नहीं जा सका। वहीं पुलिस अब नदी में नौक संचालन को लेकर भी सतर्कता बरतेगी, ताकि नदी में होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।